अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक हो। और 2-3 दिन में बहुत बिजी थी, ईद के शुरू के दिनों में आपको पता है मेहमानों की आमदोरफ्त होती रहती है, तो मैं कोई चीज़ अपलोड नहीं कर सकी। और ये हम आज बनाएंगे सेवइयाँ। अगर आपने मेरी पुरानी रेसिपी देखी होगी जिसमें हमने हाथ से ये सेवइयाँ बनाने का आपको तरीका बताया था, तो ये हाथ की बनी हुई सेवइयाँ हैं, तो इनको हम आज बनाएंगे। और इन सेवइयों को हम पंजाबी सेवइयों के नाम से बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको पंजाब में ही मिलेंगी। ये कराची में या कहीं और जगह से अगर उन्होंने मंगवाई होंगी तो पंजाब से मंगवाई होंगी, लेकिन बेसिकली ये पंजाब की ही बनी हुई होती हैं। तो ये पंजाब की ख़वातीन जो है घर में बैठ के सेवइयाँ बनाती हैं, हाथ से बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, कलरफुल सेवइयाँ होती हैं ये, तो इनको हम बनाएंगे। जिसके लिए हमने पंजाबी सेवइयाँ बनाने के लिए हमने ली हैं 225 ग्राम मैंने सेवइयाँ ली हैं, 2 टेबल स्पून मैंने ये देसी घी लिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है, और 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि ना तो इसमें दूध डलता है, ना खोया, ना पिस्ता, ना बादाम। जो रियल टेस्ट है, जो ओरिजिनल टेस्ट है, वो यही है कि इसमें सिर्फ चीनी डलती है और देसी घी और इलायची के साथ इसको बनाया जाता है, जो कि एक ओरिजिनल टेस्ट है। हम अपने टेस्ट को खुद क्यों ख़राब करें, जब एक ओरिजिनल टेस्ट है तो हम उसी के हिसाब से वो चीज़ बनाएंगे ना। तो हम इसको इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बनाएंगे और बहुत इजी ये बनने वाली चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया, और ये सेवइयाँ आपको तो पता है कि ये सेवइयाँ जो हैं ये कच्ची हैं। कच्ची से मतलब ये कि जैसे बनाई है हमने, इसको धूप में सुखाया था, अब हम इनको भुनेंगे और बग़ैर इसको घी के भुनेंगे। इसको तकरीबन हम ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगी, ये चम्मच के साथ हम इसको हिला लेते हैं। जब ये ब्राउन हो जाएंगी फिर हम इसको तरीका बताते हैं कि ये किस तरह बनती हैं और लोग किस तरह, पंजाब के जो लोग हैं वो किस तरह इसको बनाते हैं, जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए, हमने इनको इसी तरह भूनना तकरीबन 10 मिनट से इसको भून देना। टूटे ना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने इसको इस तरह करना है। तमाम जब भून जाएंगे फिर हम इनको बॉइल करेंगे। और बॉइल करने के लिए देखिए मैंने पानी रखा हुआ है उबालने के लिए इनको। ये पानी जब बॉइल हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे। पानी हमारा बॉइल हो चुका है, हम इसको उठा के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तकरीबन 2 या 3 मिनट हमने इनको बॉइल करना है पानी में, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, छलनी से छान लेंगे, ठीक है, इस पानी को। ये देखिए पानी बॉईल हो रहा है, कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सेवइयाँ तैयार हो रही है। तकरीबन 2-3 मिनट हम इनको पकाएंगे। अब ये बॉईल हो गई है, तकरीबन 5 मिनट हमने इनको बॉईल किया है। अब हम इनको ठीक है, अब हम इसको थोड़ा इधर ये पानी खुश्क हो जाए तो हम इसका तैयार कर लेते हैं। देसी घी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देसी घी मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। ठीक है, अब हम इसमें इलायची भी डालेंगे। इलायची दाने डाल दी, इलायची को जैसे ही हमने देसी घी में थोड़ा तड़का लगाया इसका देसी घी के साथ, तो हमने सेवइयाँ डाल देनी है और चूल्हा बंद कर देना फौरन। ये देखें, ये तरीका है इसका पकाने का, और इसका शीरा नहीं बनेगा। हमने चूल्हा बंद किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये चीनी डाली हमने और ये मिक्स किया,
ये तैयार है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें वो लंबा प्रोसीजर नहीं है कि इसको बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। कितनी जल्दी बनी है देखें, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें, ये इसी तरह बनती है, ये इसी तरह प्लीज़ बनाइएगा जैसे मैंने बनाई है, ये बनती ही इसी तरह है। इसमें कोई चीज़ आप ऐड मत कीजिएगा एक्स्ट्रा डालने के लिए। देसी घी की ये सेवैयाँ बनती हैं, पंजाब के सौगात हैं, ये पंजाबी कल्चर में ये बनाती हैं ख़वातीन, हमारी बहुत हुनरमंद ख़वातीन होती हैं पंजाब की, वो घर में बनाती हैं, तो आपने भी ये ज़रूर बनाना है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है देसी घी की सेवैयों में से, ऐसे लग रहा है जैसे हम वाकई पंजाब में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और किसी के घर में हम बैठकर ये सेवैयाँ खा रहे हैं। तो आपने घर में बैठकर ज़रूर ट्राई करना है, इसको बनाना है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं पंजाबी दसा अपने पंजाबी मनु, क्योंकि मैं चीज़ ही पंजाबी बनाई है, पंजाबी बेच के उन्होंने दसा। तो सेवियाँ मैं लिया सन, आटा नहीं मैदा तो सूजी में थोड़ा सारा पा के मैं बाटा लिया सन, तुम तो पता है मेरी पुरानी रैसपी अगर तुम देखी होगी, उस तो बाद मैं धुप्पे सुखा लिया सन, तो मैं थोड़े सामने ना कढ़ाई के बच्चे थोड़िया उन्होंने लाल करके ना ब्राउन करके फ्राउन फ्राई किया ताकि कच्चापन वो खत्म हो जाए, ठीक है, और ब्राउन हो गई। उस तो बाद मैं पानी बॉयल करके उस पानी पा के 4-5 मिनट बनाए उबालिया हो गया, ज़्यादा नहीं उबालिया वरना जुड़ जाएगियाँ, तो वो मैं फिर देसी घ्यो के इलाची पा के तड़का लाया जाए, मिक्स करके चीनी पाए नाल ही उतार लिया, क्योंकि चीनी अगर थोड़ी देर और रख दे तो उन्हें पानी छड़ देना सी। तो यह तरीका यही है बनाना जे, बहुत ज़बरदस्त तरीके बनाइया ने माशाल्लाह, बहुत मज़े दिया होंगे ने, तो तुसी जरूर ट्राई करना है, तुसी जरूर बनाना है, मैंने दुआ जरूर याद रखना है। तो सबनों ईद मुबारक, ईद का वीक चल रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा जा रहा है, तुसी बनाओ ट्राई करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।